नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे आज इस वीडियो में सिप्लार LA 20 एमजी टेबलेट के बारे में और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, क्या इस टेबलेट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कितने दिनों तक इस टेबलेट का यूज करना चाहिए और क्या इस टेबलेट की कभी आदत पड़ सकती है या नहीं पड़ती। तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, सिप्लार LA 20 एमजी एक ब्रांड नेम है, सिप्ला कंपनी इसे बनाती है। इसके अंदर जो आता है वो है प्रोपरानोल लॉन्ग एक्टिव, मतलब सिप्लार LA का मतलब है लॉन्ग एक्टिव। इसका मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा देर तक शरीर के अंदर काम करती है। इसका असर नॉर्मल टेबलेट से अधिक रहता है, काफ़ी देर तक इसका एक टेबलेट का कम से कम 6-7 घंटे तक इस टेबलेट का असर रहता है। इसका मतलब हुआ अगर आप एक टेबलेट लोगे पूरे दिन में तो भी बहुत काफ़ी है, दो सुबह शाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये 50 रुपये की 15 टेबलेट हर केमिस्ट स्टोर पर यानी हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। बात करें कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, तो दोस्तों ये वो 2-3 प्रॉब्लम में काम आ सकती है। जैसे कि अगर थोड़ा तनाव रहता है, मानसिक रोग, थोड़ा लाइट मानसिक रोग है, उसमें ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर या कोई फिजिशियन डॉक्टर भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर माइग्रेन वाला सर दर्द रहता है, माइग्रेन की दिक्कत है, उसमें भी इस टेबलेट का रिकमेंडेशन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और इसके साथ साथ अगर बीपी है, हाई बीपी है, या फिर कुछ ब्लॉकेज हो गया हार्ट के अंदर, उसमें भी ये डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सो सेल्फ यूज करने वाली टेबलेट नहीं है, शेड्यूल एच के अंदर ये आती है। बात करें दोस्तों ये किस तरह से काम करती है, तो देखिए ये जो प्रोपरानोल है ये बॉडी के अंदर जाकर कुछ रक्त वाहिकाओं को चौड़ा बना देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसलिए ये माइग्रेन और हाई बीपी वाले मरीजों को डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है, तो इस तरह से काम करती है। बात करें साइड इफेक्ट की, तो दोस्तों साइड इफेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन है इस टेबलेट के भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर लाइट सरदर्द रह सकता है लेने के बाद, या फिर आपका मूड में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उल्टी करने का मन कर सकता है, ये कुछ साइड इफेक्ट है जो कभी कभार दिख सकते हैं। अगर इसके सिवा या फिर कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, इस टेबलेट का यूज मत कीजिएगा। बात करें सावधानी की, तो दोस्तों इस टेबलेट की सावधानी है जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा और एल्कोहल के साथ इस टेबलेट का यूज मत कीजिएगा। दोस्तों डोज की बात करें तो डोज एक टेबलेट आप ले सकते हैं इसकी, एक पूरे दिन में ओडी ले सकते हैं, या फिर एक सुबह एक शाम भी डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है, वो डिपेंड करती है कि प्रॉब्लम कौन सी है। कम से कम दोस्तों ये 7 दिन तक दी जाने वाली टेबलेट है, इसका लॉन्ग टर्म में भी यूज हो सकता है, जैसे 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो दोस्तों बात करें इसकी आदत पड़ती है नहीं, देखिए दोस्तों इस टेबलेट की कोई आदत नहीं पड़ती, बिल्कुल सेफ है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको 7 दिन के लिए दिए तो आप 7 दिन ही लीजिएगा, 14 दिन इस टेबलेट का यूज मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा डॉक्टर के हिसाब से चलोगे तो आपको कोई आदत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये था फुल रिव्यू सिप्लार LA 20 एमजी टेबलेट के बारे में, और कौन सी मेडिसिन भी आप वीडियो देना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जो वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत